आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। यहां 632 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की बाजपुर सीट पर लगातार लोग पोलिंग बूथ पर आकर अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार सीट से बीजेपी के राजेश कुमार, कांग्रेस के यशपाल आर्य और आम आदमी पार्टी से सुनीता टमटा चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं आज उत्तराखंड में भी 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 13 जिलों में यह चुनाव होना है। तो वहीं कई यहां पे और राजनीतिक दिग्गज फील्ड में है। अगर बात करें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, तो भाजपा ने 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सीएम के। अब देखना यह होगा कि अन्य पार्टियां, अगर मेन ऑपोजिट पार्टी कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाएगी। को बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है, 13 जिलों में मतदान हो रहा है, कुल 635 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कई दिग्गज भी उत्तराखंड से मैदान में है। वहीं गोवा में भी आज 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आज 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, शाम के 6 बजे तक होना है। तो आज जनता उत्तराखंड की 70 सीटों पर अपने मतदान करेगी और 600 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक करेगी। यह 10 मार्च को पता चलेगा कि वहां के लोगों ने किसको अपना चुना है, किसको आगे अपने विकास का मौका देगी। आज आगे 5 साल तक कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा, कौन होगा उनका नेता। को बता दे कि उत्तराखंड में भी 70 सीटों पर चुनाव चल रहा है, 13 जिलों में चुनाव होने हैं। वहीं हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग बूथों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस जिले में किस तरह से चुनाव हो रहा है, व्यवस्थाएं क्या है। वहीं उत्तराखंड की बाजपुर सीट से गुलबेश खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुलबेश, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? जी, यहाँ पर प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बीच आज सुबह मतदान शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई है। मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि वो लाइनें दिखाएंगे। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में मतदान के प्रति। गुलबेज, वहां से कितने दिग्गज, जो बात अगर सुनीता तमटा की जाए, जो आपसे है, और कांग्रेस के यशपाल आर्य की बात की जाए, बीजेपी से राजेश कुमार की बात की जाए, तो सभी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। लोगों का उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? लोग किन मुद्दों पे इस बार वोट दे रहे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य चुनाव मैदान में है, तो वही बीजेपी से राजेश कुमार चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी से सुनीता टंका बाजवा चुनाव मैदान में है, जिसमें यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? दिव्यांगजनों के लिए क्या सुविधा की गई है मतदान केंद्रों पर? यहाँ पर पूरी प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव को लेकर के। पूरी तरह से यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, पूरे इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गुलबेश, क्या आप कुछ लोगों से बात करें वहां पर कि लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे? जी, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा आखिर किन मुद्दों को लेकर लोग चुनाव में मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास एक भाई मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा किन मुद्दों को लेकर चुनाव में मतदान करने के लिए आए हैं। थोड़ा बोलिए, विकास के मुद्दों। जी, मेरे पास कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ एक मौजूद है, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय और जिम्मेदारी को देखते हुए। जी, इन्होंने राष्ट्रहित की बात की है, राष्ट्रहित को देखते हुए मतदान करने के लिए आए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जी, फिर क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर मतदान करने आई है?
ये बोलने से थोड़ा कतरा रही है, कुछ और महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल गुलबेश, जिस तरह से महिलाएं भी लगातार लाइनों में दिख रही हैं, महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है गुलबेश वहां पर। अब बिल्कुल महिलाओं से बात करें, उनसे पूछें कि महिलाएं किस मुद्दे पर वोट देंगी इस बार, क्या उनका विकास का मुद्दा या कोई अन्य मुद्दा है? जी जी जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ महिलाएं यहाँ है, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें महिलाओं की भी यहाँ लग चुकी हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा महिलाओं से, कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा फिर किन मुद्दे को लेकर मतदान करने के लिए महिलाएं आई हैं इस बार। जी मैम, क्या मुद्दा है? देश और प्रदेश के विकास की बात की है। एक महिला हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने देश और प्रदेश के विकास के मुद्दे को लेकर बात की है। कुछ और महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं जिनसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। जी बिल्कुल गुलबेश, आप महिलाओं तक जाए, महिलाएं भी लंबी कतार में दिख रही हैं। अगर बात भाजपुर की जाए तो काफी लंबी लंबी लाइन है यहाँ महिलाओं की लगी है। मैं इनसे बात कर, मैम किस मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए आई है, कैसी सरकार चाहती है? यहाँ महिलाएं बात करने से थोड़ा कतरा रही है, और भी है हमारे साथ में, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। और महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन महिलाएं मैं यहाँ बात करने से थोड़ा कतरा रही हैं, बात नहीं कर पा रही हैं खुल के। गुलबेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी लंबी कतार है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग विकास के मुद्दे के साथ साथ, अभी एक महिला ने कहा कि वो देश के विकास के मुद्दे पर वोट देंगी, तो और कितनी लंबी लाइन है एक बार मैं कहूंगी, आप दिखाएं कैमरामैन को, बोले दिखाएं वहां के लोगों को, क्योंकि अभी सुबह के 10 भी नहीं बजे हैं और लोगों में खासा उत्साह है, लोग काफी भारी संख्या में मतदान केंद्र पर मौजूद है। जी मैं अपने सहयोगी सलीम रजा से कहूंगा कि वो आपको लाइनें दिखाने का काम करेंगे, काफी लंबी लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर लगी है, मैं कहूंगा कि वो लाइनें दिखाएं किस तरह से लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर के। जी गुलबेश, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है, महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था किया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिला पुलिस यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है, साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के कुछ पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जी गुलबेश, मैं थोड़ी देर में आपके पास लौटूंगी, आप नजर बनाए रखिए, जिस तरह कतारों में लंबी लंबी कतारों में महिलाएं और पुरुष में खासा जोश दिख रहा है, मैं थोड़ी देर में आपके पास लौटूंगी। आपने देखा कि हमारे संवाददाता बाजपुर से गुलबेश खान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने वहां के लोगों से बात भी की, वहां पर विकास के साथ साथ महिलाओं का कहना है कि वो देश के विकास के मुद्दों पर वोट देंगी, से साफ ये दिखता है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, उत्तराखंड के लोग भी अब विकास चाहते हैं। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 13 जिलों में चुनाव हो रहा है, कुल 635 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज जनता ईवीएम में लॉक कर देगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि किसको जनता ने चुना है अपने नेता के रूप में, किसको आगे 5 साल और मौका देगी जनता अपना विकास करने का। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, हम आपको उत्तराखंड के बाजपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सुबह के 10 बजने वाले हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी लाइनें दिख रही हैं मतदान केंद्रों पर। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने और जायजा लिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर मैं किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सुबह से जिस समय मतदान शुरू हुआ है, अभी मतदान को स्टार्ट हुए मात्र 20 से 25 मिनट हुए हैं, किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है मतदान करने के लिए। हमारे साथ यहाँ लाइन में कुछ लोग भी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर किस मुद्दों पर मतदान इस बार किया जा रहा है, उत्तराखंड में किन मुद्दे अहम रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता मतदान करने के लिए यहाँ पर उमड़ रही है। मेरे साथ कुछ युवा मतदाता भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। भैया पहली बार मतदान करने आ रहे हो? नहीं, पहले किया है। कौन से मुद्दे को लेकर मतदान करने आ रहे हैं? और भी लोग हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, और भी लोग हैं हमारे साथ। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि लाइनें दिखाएं, सुबह से ही कितनी लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी हैं मतदान को लेकर, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह से यहां लोगों ने लाइनें लगाई हुई हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं भैया किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं, कैसे सरकार चाहते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहने वाले हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव करने मतदान करने के लिए आए हैं आज? बेरोजगारी है, रोजगार होना चाहिए, रोजगार कम है,
राशन दिया जा रहा है, दो टाइम जो राशन दिया जा रहा है, वो तीन चार दिन पब्लिक की वो कंटिन्यू चलता रहे। देखिएगा मैं आपको कैमरा मैन से कहूंगा कि दिखाने की कोशिश करें कि अभी मतदान स्टार्ट हुआ है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मैं इस समय मौजूद हूं राजकीय बालिका विद्यालय सुल्तानपुर पट्टी जो कि बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोगों को काफ़ी उत्साह है विधानसभा चुनाव को लेकर। काफ़ी लंबी लंबी लाइनें यहाँ मतदान केंद्रों पर लग गई हैं। सुबह से जिस समय मतदान स्टार्ट हुआ है, मतदान स्टार्ट होने के तुरंत बाद काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ लग गई हैं। कैमरा मैन से कहूँगा कि एक बार लाइनों को दिखाने का प्रयास करें, लाइनों को दिखाएं आखिर कितनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं अपने प्राइम टीवी के लिए बाजपुर से अपने सहयोगी सलीम रजा के साथ, मैं गुलवेज खान आजाद। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ने आपको बताया, दिखाया आपको कि किस तरह से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपके जिले में भी हो रहा है मतदान तो प्राइम टीवी की आपसे गुजारिश, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।